हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल माही पटेल ब्लॉग्स। और मेरा गला खराब हो रखा है, लग रहा है जैसे कि फिर से सर्दी होगी मुझे। ये सुबह का टाइम है, माही और माही के पापा स्कूल गए, उनका लंच और लंच दे दिया मैंने बना के, माही का भी लंच। फिर उसके बाद मैं भिड़ गई साफ़ सफाई पे। सबसे पहले शुरुआत बिस्तर सही करने से होता है मेरा। ये माही के रूम का मैं सही कर रही हूँ। गंदा खैर उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी साफ़ तो करना पड़ता है क्योंकि इसमें कोई सोता नहीं है। ये मैं माही का रूम मैंने साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद मैं लिविंग रूम में आ गई, ये सोफ़ा को सही कर रही थी। सब कुछ सही करने के बाद फिर सोफ़ा, लिविंग रूम, दोनों बेडरूम। फिर उसके बाद मैं किचन में आई, किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि सुबह सुबह तो कुछ हो नहीं पाता है। इन लोग का लंच और ये चाय वाय बन जाए यही बहुत है। तो इन लोग के जाने के बाद मैं भिड़ती हूँ साफ़ सफाई पे। तो अभी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ और मैं अपना काम खुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं आता मेड लोगों का काम। लोग जल्दी जल्दी निपटा के किसी तरह जाती हैं। इधर मेरा बर्तन भी धुल चुका था और दूध दूध की मलाई तो कोई खाता नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, मलाई निकाल के फिर उसका घी बना लेती हूँ। ऐसे ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन मलाई होगा क्या, आखिर में वेस्ट हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं घी बना लेती हूँ। मम्मी घी वैसे भेज देती है मुझे, फिर भी मैं भी बना लेती हूँ। और किचन साफ़ करने के बाद मैं इधर झाड़ू भी लगाना था, तो मैं अब झाड़ू लगाने लग गई। ये वीडियो जितना मिनट का होता है ना, उतने ही घंटे लगते हैं साफ़ सफाई और पूरा घर का काम निपटाने में। कुछ लोग को लगता होगा कि क्या ही काम होता होगा, बच्चे, स्कूल, पति, ऑफिस, लेकिन बहुत सारा काम होता है भाई, काम तो ख़त्म ही नहीं होता। फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगने के बाद मेरे कपड़े फैले हुए थे, बारिश की वजह से सूख नहीं रहे जल्दी, तो ये फैले हुए थे, इसको मैं समेटने लग गई। और मैं कपड़े ज़्यादातर करके बालकनी में ही फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि रूम में लाके इकट्ठा करके फिर फोल्ड करने में ना बहुत आलस आता है, जैसे लगता है कि कितना सारा कपड़ा हो गया है, तो इसलिए मैं वहीं फोल्ड करती हूँ फिर लाके अलमीरा में सेट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा काम साफ़ सफाई ख़त्म हो गया। मिलती हूँ मैं आप सबसे सौर लेने के बाद। अभी मैंने सार ले लिया है और चलिए अब कर लेते हैं थोड़ा सा स्किन केयर। तो मैं सबसे पहले अपने स्किन केयर में ये खादी एसेंशियल का रोज़ वाटर यूज करती हूँ। इससे ओपन पोर मिनिमाइज हो जाते हैं, जैसा कि मेरे पहले बहुत ज़्यादा ओपन पोर हो गए थे, तो इसको लगाने से मुझे बहुत ही ज़्यादा फर्क दिख रहा है। बहुत ही सही है, आप इसे चाहे तो यूज कर सकते हैं। और जब तक ये एब्जॉर्ब होता है तब तक मैं हेयर सीरम लगा लेती हूँ। ये मैं दूध रख के भूल गई थी, नहाने चली गई थी, तो दूध जल के आधा हो गया है। और ये मैंने दोपहर के लिए डाल दिया। मेरा रोज वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, अब मैं मॉइस्चराइजर के लिए लगाऊंगी, ये सीताफल का मॉइस्चराइजर। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत सही, सर्दियों के लिए बहुत ही सही है ये, तो सर्दियां भी शुरू हो गई हैं। तो मेरा SPF इकोलॉजिका का, इसको मैंने अभी रिसेंटली मंगाया है, देखते हैं ट्राई करके कैसा है। यहाँ मेरा नाइका मिनी लिपस्टिक सेट 37 M, इसे मैं डेली यूज के लिए लगाती हूँ। अभी कुछ खा ही नहीं हूँ और दीप्ति ने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है अपने घर, और उसे ये बुक भी देना था मुझे, द वेदास एंड द उपनिषद। मैं थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ और दीप्ति ने बोला कि मेरे लिए लाना, मैं पढ़ूँगी। तो चल रही हूँ मैं दीप्ति के यहाँ, देखती हूँ क्या बना रही है वो ब्रेकफास्ट में हम लोग के लिए।
दीप्ति के घर। तो दीप्ति क्या बनाया तुमने ब्रेकफास्ट के लिए? कुछ भी नहीं। ए नालायक। बहुत अरे मैं कुछ खा के नहीं, बहुत धुलाई होगी इसकी, ये अभी तक कुछ बनाई नहीं है। क्या बना रही हो? तुम क्या बना रही हो मेरे लिए ब्रेकफास्ट? ए बहुत कुटाई होगी तुम्हारी। देखते हैं क्या बनता है, कुछ तो कुछ बन ही जाएगा। हाँ जरूर। कोई दीप्ति जी बनाने जा रही है चीज सैंडविच तो, और चाय। चाय तो फटाफट से बनाइए क्योंकि मुझे लगी है भूख। बिल्कुल अभी बन रहा है। हाँ इसको बनने में टाइम भी नहीं लगता है। हाँ। ये हमारा चाय रखा गया है और इधर बन रहा है सैंडविच, फटाफट से बनने वाला। तो हमारा ब्रेड सैंडविच बन गया, अब हम लोग खा ले रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनाया दीप्ति, थैंक यू। हाँ अभी हो गया है माही को स्कूल से लाने का टाइम और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, अभी भी बूंदाबांदी हो ही रही है, पर जा रहे हैं लेने। आज इनका लेट भी हो गया बारिश की वजह से। ये माही जी बस स्कूल से आ गए और मैं जल्दी जल्दी मैं अम्ब्रेला लाना भूल गई। माही माही अरे गिर जाओ। करवा चौथ की मेहंदी और डांस वगैरह यहाँ होने वाला है और इतनी बारिश हो गई है यहाँ पे, पूरा पानी लग गया। देखते हैं कल कैसे होता है कुछ भी, मेहंदी या डांस।